नीचे भाई पानी है, सतलुज रिवर, और भाई ऊपर है हम दोनों आदि और मैं। ये यहाँ देखो सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, अभी जो है सुबह के 6:30 हो गए और भाई हम अच्छे से रेडी हो चुके हैं। भाई आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा जब भी रेडी होता है, रेडी होने के बाद बताता है कि कहाँ जा रहा है, मतलब कोई प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब पहले कुछ नहीं बताता। तो भाई हमारे प्लान जो है ना अचानक से सडनली बनते हैं, और भाई आज हम जा रहे हैं फाइनली सामने किन्नर कैलाश। भाई जिन लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा उनको पता होगा कि भाई किन्नर कैलाश कहाँ पे है। हमारा जो है किन्नर कैलाश जाने का प्लान जो है सडनली बना भाई, और किन्नर कैलाश जा रहे हैं मैं और आदित्य, सिर्फ भाई हम दो जाने हैं भाई, वन नाइन आर्मी, अकेले चलो जहाँ भी जाना है। और आज रात को ना हम वहाँ पे होंगे गणेश पार्क में, और भाई सनराइज देखो कितना ज़्यादा सही है। सो अभी जो है धूप भी आ चुकी है, और भाई आदित्य भी आ चुका है, ये देखो आदित्य यहाँ देखो हमारा पहुँच चुका है। और भाई फाइनली यार आज मतलब मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना, मैं मतलब बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। और भाई दो तीन बार यार हमारे प्लान कैंसिल हुए, और कल शाम को जो है अचानक से हमारा प्लान बना, हमने बोला चलो यार जाते ही हैं, जो भी हो जाए बाकी देखा जाए, बाकी भगवान का नाम लेके यात्रा अपनी स्टार्ट करेंगे, अच्छे से जाएंगे, अच्छे से जाएंगे बस। सो फाइनली अभी जो है टाइम आ चुका है घर से निकलने का, और मम्मी को बाय बाय बोलते, ठीक है मम्मी बाय बाय, और ये हमारी कोको भी खेल रही है, तो भाई कोको को भी बाय बाय कर दिया। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से हम जाएंगे रिकांगपियो तक गाड़ी में, तो भाई वहाँ से हम जाएंगे नीचे तंगलिंग, एक गाँव है विलेज जहाँ से हमारी पैदल जर्नी स्टार्ट होगी, वहाँ तक जाएंगे हम बस में, उसके बाद भाई फिर हमारी पैदल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। और भाई भी हमारी गाड़ी भी आ चुकी है, तो चलते हैं फटाफट। सो फाइनली अभी जो है हम रिकांगपियो से निकल चुके हैं, बस में बैठे हैं, बस थोड़ी देर में हम तंगलिंग पहुँच जाएंगे। ये देखो झूले को जो है इस तरह से क्रॉस किया जाता है, वहाँ पे भी जो बंदे खींच सकते हैं, और भाई इस साइड से भी रस्सी खींचते हैं, तो ये झूला इस साइड का आता है वो देखो। अभी जो है हम बस से उतर चुके हैं, और भाई अभी हमको ये झूला क्रॉस करना है, ये देखो नीचे जो है सतलुज रिवर है, और अभी हम ये झूला क्रॉस करके जाएंगे। तो भाई फाइनली यार अभी हमारी बारी आ चुकी है, अब हम जाएंगे आदि और मैं, तो भाई अब देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है, भाई फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं तो भी ये देखो यहाँ से धक्का देंगे पीछे से हमको, और भाई ये चल पड़े हम, ये भाई ऐसे खींचना भी पड़ता है, ये देखो इस तरह से खींच रहा है, खींच 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 ही रहा हूँ। और गाइस ये देखो नीचे भाई पानी है, सतलुज रिवर, और भाई ऊपर है हम दोनों आदि और मैं। ये यहाँ देखो ये गाइस, और वो देखो भाई सामने से भी बंदे खींच रहे हैं भाई, मतलब ना बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस आ रही है, देखो नीचे नहीं रिवर लिटरली यार गाइस, यार बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है। ये देखो भाई बीच में लटक गए हम, और भाई हमारे नीचे जो है रिवर बह रही है, और भाई पानी का फ्लो इतना ज़्यादा तेज है ना, मतलब यार सच्ची यार अलग ही एक्सपीरियंस है भाई। अभी हम यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे अभी हम रजिस्ट्रेशन वगैरह कराएंगे अपना, मेडिकल चेकअप वगैरह, तो उसके बाद बढ़ेंगे आगे। अभी जो हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, और भाई मेडिकल बनाने के लिए ना यहाँ आगे एक हॉस्पिटल है गवर्नमेंट, तो भाई वहाँ पे जाके पहले सबसे पहले मेडिकल बनाते हैं, फिर उनको वापस जाना पड़ेगा, फिर जाके भाई वहाँ से आगे छोड़ेंगे। और भाई यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के 200 रुपीज़ 30 लग रही है, तो अभी हम यहाँ पे पहुँच गए, वो देखो सामने PHC है। फाइनली अभी जो है भाई हमारा मेडिकल वगैरह तैयार हो चुका है, तो अब चलते हैं आगे, ये इसको वहाँ पे आगे दिखा के अपना आगे निकलते हैं फटाफट से, बैग वगैरह उठाते हैं भाई, उसके बाद करते हैं यात्रा को स्टार्ट। और भाई यहाँ पे हमारा ना पूरा 1 घंटा वेस्ट हो गया टोटल, तो भाई 9 बजे आए थे तो अभी जो है 10 बज गए, तो भाई टोटल यार 1 घंटा वेस्ट हो गया, वरना हम अभी काफ़ी ऊपर होते, बट चलो कोई बात नहीं, जो होना वो तो होना ही है। फाइनली अभी जो है भाई हमारी किन्नर कैलाश की यात्रा स्टार्ट हो चुकी है, अब हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, हमको काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाना है, हमको ना यहाँ से 5-6 घंटे लग जाएंगे। और भाई मैंने गॉगल्स वगैरह कैप ले ली है, क्योंकि यार धूप ना बहुत ज़्यादा तेज़ है। और भाई एंड तक बने रहिए, जितने भी ब्लॉग्स आने वाले हैं किन्नर कैलाश के 3-4 जितने भी पार्ट बनेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा मस्त, बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे फॉलो करना ना भूले, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होता है हमेशा ही। तो चलते हैं आगे की ओर। और यार अभी हम यहाँ पे छाया ढूंढ के बैठे हैं, और भाई पसीने से ना हालत बुरी हो गई है लिटरली यार, बहुत ज़्यादा टफ है, बट कोई नहीं, करेंगे करेंगे करेंगे, करके रहेंगे भाई, अब निकले हैं तो करके ही वापस आएंगे। और भाई हमेशा की तरह जैसे हमारे साथ होता है ना, एक लगेज भाई हमारे पास हमेशा एक्स्ट्रा जाती है, जो कि हमको हाथ में उठानी पड़ती है, तो भाई इस टाइम भी इस बार भी ऐसी हुआ, एक जो कैरी बैग है वो हमको हाथ में उठाना पड़ रहा है, हमारे बैग में कोई भी स्पेस नहीं है कुछ भी थोड़ा भी, तो भाई इस बार फिर से एक और लगेज एक्स्ट्रा हो गया। वो देखो सामने स्नो के पहाड़ बड़े बड़े। अभी हम यहाँ पे पहुँच गए भाई, लास्ट ईयर जब हम आए थे ना यहाँ पे कोई पुल नहीं था,
तो इस बार ये देखो यहाँ पे ब्रिज बना दिया छोटा सा लकड़ का, तो इसको क्रॉस करते हैं। और भाई लास्ट ईयर ना इस वाले नाले में, इस वाले खड्ड में ना बहुत ज़्यादा पानी था। सो अभी हम रुके हैं भाई यहाँ पे जंगल में, रास्ते में कहीं छाया वाली जगह ढूंढ के यहाँ पे हम करेंगे भाई ब्रेकफास्ट। और भाई चल चल के इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी ना, जितनी भाई एनर्जी सारी खत्म होगी, तो फटाफट से पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। और ये देखो हम अपने घर से भाई परांठे बना कर ले आए थे, तो यहाँ देखो भाई बीच जंगल में बैठ के अच्छी जगह पे यहाँ पे अब करते हैं फटाफट ब्रेकफास्ट। हाँ गाइस, मतलब ऐसी जगह में ना यार खाना मिल जाए ना मज़ा आ जाए सच्ची यार। मतलब ऐसे में ना सूखी रोटी मिल जाए ना वो भी अच्छी लगती है। अभी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और यहाँ पे एक होटल खोला हुआ है, तो यहाँ पे चलते हैं अभी चाय पीते हैं। और यहाँ हमारी गर्म गर्म चाय आ चुकी है गाइस। चाय चुए पी के हम काफ़ी टाइम पहले निकल गए और भाई हम बहुत ऊपर आ गए। और ये देखो आदित्य की हालत टाइट हो गई है, सामान यहाँ रख दिया हमने। सच्ची यार भाई हालत तो मेरी भी ख़राब हो गई है, मतलब पीठ में यार 6-7 किलो वेट, उसके बाद भाई इतनी स्टीप चढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ है। और ये देखो नीचे से भी काफ़ी यात्री ऊपर की तरफ आ रहे हैं और ऊपर से भी काफ़ी यात्री नीचे की ओर वापस जा रहे हैं दर्शन करके। और लोगों ने जो है इस तरह से यहाँ पे रास्ते में होटल्स खोले हैं ताकि भाई जो भी यात्री यात्रा कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे खाने पीने का प्रबंध कर सके। और ये देखो आप यहाँ पे कुछ भी खा पी सकते हैं। ये देखो अंकल हाय कर रहे हैं वहाँ से, वो देखो एस कुमार कैंपिंग। और ये देखो इस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे होटल्स बनाए हैं और वो देखो वहाँ पे बैठने के लिए। अभी जो है सबसे पहले लंच करते हैं क्योंकि यार चल चल के ना सारी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है और भाई भूख भी बहुत ज़्यादा तेज़ लगी है बहुत ज़ोरों की। हमारे पास लंच में आलू की सब्ज़ी और साथ में भाई रोटियां हम साथ लेके आए थे। अभी जो है हम थोड़ी देर में गणेश पार्क पहुंचने वाले हैं, लगभग आधे घंटे का रास्ता रह गया। और ये वाला पेड़ देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये देखो भाई कैसे नीचे की ओर लटक रहा है। और जो है रास्ते में ना यार बारिश स्टार्ट हो गई थी तो हमें डर लग रहा था यार कहीं बारिश तेज़ ना हो जाए, बट थैंक गॉड की भगवान की कृपा से बारिश रुकी हुई है। अभी ना ही आए तो अच्छा है, यात्रा भाई सही सलामत अच्छे से हो जाए। बाकी आप लोग भाई मेरे फेस को देख के आइडिया लगा ही सकते हो कि भाई क्या हालत है इस टाइम हमारी। सच्ची ऊपर जाके टेंट मिल गया ना, उसके बाद जाके रेस्ट करनी है और चलने की हिम्मत नहीं है भाई। आज का कोटा पूरा हो गया, बाकी अब कल देखेंगे। फाइनली हम गणेश पार्क पहुंच चुके हैं और ये देखो यहाँ पे कैंप्स वगैरह लगे हैं, ये देखो टेंट्स। और गाइस सामने वेदर चेक करो कितना सही है भाई, ओके रिपोर्ट। सामने देखो बिल्कुल क्लियर है, हल्के हल्के बादल है और भाई यहाँ ऊपर पूरा का पूरा ख़राब है। और भाई वो देखो रिकॉन्गपियो कल्पा सारा एरिया यहाँ से दिखाई दे रहा है। अभी जो है हम गणेश पार्क पहुँच चुके हैं, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैंप से कैंप्स लगे हुए हैं। और भाई यहाँ पहुँच के इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना, तो सबसे पहला काम है हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना, अपना सारा कुछ चेक चुक करा के फिर देखते हैं टेंट वगैरह कैंप, देखते हैं कहाँ पे रुकते हैं आज। और यहाँ का भाई व्यू चेक करो, पूरा का पूरा भाई विलेज लग रहा है छोटा सा। और ये देखो चारों तरफ जिधर भी नज़र घुमाओगे ना चारों तरफ आपको कैंप्स ही कैंप्स दिखेंगे, कैंप्स होटल्स वगैरह। तो फाइनली अभी जो है भाई हमको टेंट मिल चुका है, तो ये जो मेरे पीछे देख रहे हो खोल के देखते हैं अंदर से कैसा है।
तो भाई अंदर तो बढ़िया, ये देखो यहाँ पे कंबल बिस्तरे पूरा भाई खुला डुला है। गैस अभी जो है भाई हमने अपने कैंप में सामान वगैरह रख दिया है, तो अभी जा रहे हैं थोड़ा हम इधर उधर घूमने। और मैं यहाँ से आप लोग को यार व्यू दिखाता हूँ ना, इतना ज़्यादा सही व्यू है ना, तो अभी आप लोग को मैं सिनेमेटिक शॉट्स दिखाता हूँ। और ये नीचे देखो भाई पूरा का पूरा गणेश पार्क जो है भाई कैंप से भरा पड़ा है। अभी जो है भाई हम घूम फिर के वापस आ चुके हैं, अब जा रहे हैं हम अपने कैंप की और नीचे जाते हैं भाई। बहुत जोरों की ना भूख लगी है भाई, लंच किया था, लंच के बाद कुछ नहीं खाया पिया, यहाँ पे देखते हैं होटल में भाई कुछ खाते पीते हैं सबसे पहले। और ये वाला हमारा टेंट है, और ये यहाँ पे रेस्टोरेंट है, और वो देखो नीचे सारा का सारा भाई गणेश पार्क कैंप से भरा पड़ा है। और हमारी यात्रा भाई कल यहाँ से स्टार्ट होगी, ये जो रास्ता है ना, तो यहाँ से हम ऊपर ऊपर जाएंगे, वो जो सामने पहाड़ है ना उस पहाड़ पे हमको जाना है, वो क्रॉस करके वहाँ पे एक नाला आएगा, वो क्रॉस करके भाई ये जो क्लाउड्स है ना उससे ऊपर जाना है हमको बहुत ज़्यादा दूर। अभी जो है हम दोनों टेंट के अंदर आ चुके हैं, हमने वही खाने पीने का ऑर्डर किया था, हमने पराठे और चाय बोला था, अभी फिलहाल तो हमारी चाय आई है। और अभी हम चाय के साथ भी ये देखो हमारा लंच में रोटियां बच गई थी, और ये साथ में पराठे हैं, तो भी ये खाते हैं फटाफट चाय के साथ। अभी जो है भाई हम काफ़ी के फ्री हो चुके हैं, तो अभी हम आए हैं बाहर भाई, यहाँ पर थोड़ा घूमते फिरते हैं, टेंट के अंदर भी बोर हो रहे थे। गाइस फाइनली हमें जो है भाई शिव शंकर ने भोलेनाथ जी ने दर्शन दे दिए हैं, वो देखो जहाँ पे मेरी उंगलियाँ ना वो देखो भाई किन्नर कैलाश में, यहाँ से भाई पूरा प्रॉपर दिखाई दे रहा है। और भाई थैंक गॉड यार भोले शंकर यहीं से हमको दर्शन दे दिए, तो कल जो है हमको वहीं पे जाना है वहाँ पे। और यहाँ से चढ़ाई देखो कितना ज़्यादा दूर है, यहाँ से भाई देखने में नज़दीक लग रहा है, बट यार 8-9 घंटे लग जाते हैं नॉर्मल। गाइज यार हम तो भाई जन्नत में घूम रहे हैं, हेवन में, और ये देखो भाई पीछे सनसेट हो रहा है, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और भाई अब देखो भाई चेक करो भाई व्यू चेक करो एक बार आप लोग, और ये भाई क्लाउड्स देखो बिल्कुल ब्लैक के ब्लैक है, लग रहा है मुझे शायद बारिश आएगी, बट नहीं आए तो अच्छा है। सच्ची यार मैं ना अपने आप को यार बहुत ज़्यादा लक्की मानता हूँ कि भाई मुझे ऐसी ऐसी जगह पे घूमने फिरने का, एक्सप्लोर करने का, और भाई यहाँ साक्षात भाई शिव जी के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। तो भाई ऐसी जगह पे आना ना मैं कभी कभी भी मिस ना करूँ अपनी लाइफ में। अभी जो है हम डिनर करने के लिए आ चुके हैं, और डिनर में है दाल चावल रोटी और साथ में सब्जी। अभी जो है फाइनली हमारा डिनर वगैरह कंप्लीट हो चुका है, अभी जो है भाई हम बाहर घूम रहे थे, तो बस इसके बाद अभी जो है अंदर जाके सीधा सोना है, क्योंकि यार रात को जो है ना हमें ना 2-3 बजे उठ के यहाँ से निकलना पड़ेगा, जल्दी निकलेंगे यार तभी जाके ऊपर जल्दी पहुँचेंगे 9-10 बजे तक, बाकी देखते हैं कितना टाइम, मतलब यार 7-8 घंटे नॉर्मल लगी जाएंगे, क्योंकि यार यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, देखने में लग रहा है इजी बट है नहीं इतना ईजी, तो बहुत ज़्यादा दूर है तो हमें टाइम से निकलना तो पड़ेगा ये रात को। तो सो गाइस फाइनली आदि और भाई मैं हम दोनों भाई टेंट में आ चुके हैं, अब बस सोने की तैयारी है। ये देखो भाई हमने अपना बिस्तर वगैरह कर लिया, कंबल कुंबल भाई अंदर एकदम गर्म है, कपड़े वगैरह हमने चेंज कर लिए, और भाई ऊपर से हमने शर्ट वगैरह पहन लिए ताकि भाई हम ना अपने शरीर को ठंड ना लगने दे, अगर भाई ठंड लग गई तबीयत खराब होगी तो भाई तब फिर दिक्कत हो जाएगी। और ये जो आप लोग को पीछे ना आवाज़ आ रही होगी ना जनरेटर की, तो भाई इसको प्लीज़ यार अवॉइड करो, क्योंकि यार यहाँ पे ना मैं कुछ नहीं कर सकता जाके भी, क्योंकि यार यहाँ पे ना लाइटिंग्स के लिए भाई हर जगह जनरेटर लगे हुए हैं, और भाई हर जगह ना भाई वीडियो बनाने में दिक्कत आ रही है बोल बोल के। तो बाकी भाई इस आवाज़ को आप लोग इग्नोर करो, भाई खाना पीना हमारा हो गया है तो इस। और ना यार हम दोनों के पास ना सोने के लिए सिर्फ 4 घंटे हैं, 4 घंटे बाद यार हमको उठना पड़ेगा, तो भाई 4 घंटे में जितना सो लिए उसके बाद भाई हमको रात को उठ के यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। और भाई ठंड इतनी ज़्यादा होगी ना, हमने भाई कपड़े वगैरह भी अपने मोटे मोटे पहन लिए ताकि यार रात को फिर उठ के हमको पहनने ना पड़े, क्योंकि यार ठंड में पता है मन तो करता नहीं है चेंज करना, तो भाई हमने अभी पहले से चेंज करके सो रहे हैं, सुबह उठना है बस यहाँ से निकल जाना है। सो गाइस इसी के साथ आज के ब्लॉग को प्रिपेयर करते हैं एंड आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय।